उत्तर भारत इन दिनों कोहरे, शीतलहर और ठंड का सितम झेल रहा है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए कुछ राज्यों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया है। अब ये छुट्टी बढ़ाकर 20 जनवरी तक की कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। स्कूली छात्रों को एक बार फिर से बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि लगातार मौसम की मार जिस प्रकार से देखने को मिल रही है, इससे आम से लेकर खास तक, बड़ों से लेकर बच्चों तक, हर किसी को सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही हो रही है। और सबसे ज्यादा असर स्कूल जाने वाले छात्रों पर, यानी कि बच्चों पर पड़ता नजर आ रहा है। लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए एक बार फिर से राज्य सरकार द्वारा छुट्टियों की अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि ये अवकाश कितनी तारीख के लिए बढ़ाई गई है और कहाँ के लिए ये नियम लागू हुआ है। उत्तर भारत कोहरे, शीतलहर और ठंड का सितम झेल रहा है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए चंडीगढ़ सरकार ने राज्य में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का निर्णय लिया, यानी कि अब छात्रों को कपकपाती ठंड में कुछ दिन और जाने की जरूरत नहीं होगी, वे घर पर रहकर ही पढ़ाई कर सकते हैं। दरअसल स्कूल में छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है, इसके लिए आदेश भी जारी हो गए हैं। ऐसे में अब स्कूल 20 जनवरी के बाद ही खुलेंगे। दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों को राहत देते हुए पहली से पांचवीं तक सभी कक्षाओं को 20 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया गया। स्कूल 20 जनवरी के बाद संचालित किए जाएंगे। आठवीं कक्षा तक की कक्षाओं के लिए फिजिकल मोड में कोई कक्षाएं नहीं होंगी। स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। हालांकि ठंड की स्थिति यदि नहीं संभलती है तो अवकाश को आगे बढ़ाया जा सकता है। वहीं इस आदेश में कहा गया है कि नवीं कक्षा और उससे ऊपर के छात्रों के लिए स्कूल सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं खुलेंगे और शाम 4 बजे से पहले बंद हो जाएंगे। आदेश में आगे कहा गया है कि स्कूलों को इन कक्षाओं के लिए समय निर्धारित करते समय विशेष रूप से सुबह और देर शाम की ठंड और बच्चों को स्कूल में आने जाने में लगने वाले समय को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि IMD के मुताबिक 4 से 5 दिनों तक ठंड बढ़ने की और ज्यादा संभावनाएं जताई जा रही है, और यही वजह है कि यहां पर हालातों को देखते हुए, स्थितियों को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, KBC न्यूज़।